वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्षा मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइव टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी। इससे पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के 30 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। सारे के सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के हम 30 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और 10 से 15 साल के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर के देखे हैं और जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब 90% चांसेस है कि उन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सारे टॉपिक्स को हमने अपने वीडियो में कवर किया है। अभी हमने जो है ये साइंस का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, फिर ज्योग्राफी के बाद हम जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो आई मीन सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे वो होगा पॉलिटी, एंड पॉलिटी के बाद हम कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का हम 30 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स टू। तो ज्योग्राफी का 5 टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इंडिया के बारे में सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस 110% पूछे जाते हैं। इंडिया, जिसको भारत भी कहा जाता है, आर्यावर्त भी कहा जाता है, जम्बूद्वीप भी कहा जाता है एंड हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है ये क्या है, सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड कैपिटल हम सबको पता है न्यू दिल्ली है। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, 28 एंड नंबर ऑफ यूटीज कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 8। तो नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कौन कौन सा यूनियन टेरिटरीज है, क्योंकि यकीन मानिए हम में से बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि कौन कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जो न्यू कमर्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये होता है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। ये सारे के सारे जो है ये आपके 8 यूनियन टेरिटरीज है। फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन जो है ये आप नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या ये सारे के सारे पीडीएफ जो है ना ये आपको टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। लैंड बाउंड्री जो है ये कितना होना चाहिए, ये कितना है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री जो है ये 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये 200 नॉटिकल माइल्स है पूछा जाता है। कंटिगस जोन जो है ये 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल लाइन। ये 13 टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं, 13 पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए हैं इंडिया के बारे में। क्लाइमेट जो है इंडिया का फ्रेंड्स ये है मॉनसून टाइप। एरिया जो है ये आपको नोट डाउन कर लेना है, डैट इज 2.42% ऑफ द वर्ल्ड। एंड पोजीशन जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया का 7th पोजीशन है। अब 7th पोजीशन है ये काफ़ी नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि हमसे पहले इंडिया से पहले किसका किसका पोजीशन है। फर्स्ट में आता है रशिया, सेकंड में आता है कनाडा, थर्ड में चाइना, फोर्थ यूएस, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स ऑस्ट्रेलिया एंड ये हमारा नंबर है 7th इंडिया का। ओके, 16 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं यहाँ पे। टोटल पॉपुलेशन जो है ये 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। पोजिशन इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सेकेंड है हमारा, और फर्स्ट जो है वो किसका है तो आप मुझे बताइए, चाइना का है या किसका है। 17.74% ऑफ द वर्ल्ड जो है ये हमारा जो पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ये रहा। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है तो 460 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल लैंड एरिया हमें पता होना चाहिए, अर्बन पॉपुलेशन 33.6% है। ये सारे के सारे एक बार देखने से नहीं होगा फ्रेंड्स, आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। एवरेज एज जो है ये कितना है, ये है 27 ईयर्स। मेल पॉपुलेशन कितना है तो 67.49% है, और फीमेल पॉपुलेशन जो है ये 32.51% है। रूरल पॉपुलेशन वहीं अगर पूछा जाए तो टोटल पॉपुलेशन का 64.13% जो है ये रूरल पॉपुलेशन है। अर्बन पॉपुलेशन डैट वन इज
508 मिलियन पीपल। डिकेडल ग्रोथ जो है ये 17.64% है 2001-2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। सेक्स रेशियो जो है ये क्या है, ये 1020 फीमेल पर 1000 मेल्स है और ये 2022 के आंकड़ा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। लिटरेसी रेट जो है ये 72.9% है। ये जो भी मैं आपको रेट्स बता रही हूँ, जो भी मैं आपको फिगर बता रही हूँ, ये बिल्कुल रिवाइज्ड है 2022 के अकॉर्डिंग, तो आप इसको देख के जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल। मेल लिटरेसी रेट जो है ये 84.7% है। हाईएस्ट कहाँ है, ये केरला में है 96%। फीमेल लिटरेसी रेट जो है ये 70.3% है, ये भी हाईएस्ट कहाँ है, केरला में। तो इनफैक्ट मैं बोलना चाहती हूँ ये कि लिटरेसी रेट जो है ये हाईएस्ट कहाँ है, ये केरला में है। कितना है, तो 96% पर्सन पीपल है। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया तो ये 16.6% है और फिगर आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन इन इंडिया, दैट वन इज 8.6%। ज्योमेट्रिकल शेप जो है ये क्या है, क्वाड्रेंगुलर एक्सटेंशन ऑफ माउंटेनियस रीजन जो है ये 10.7% है। एक्सटेंशन ऑफ हिली एरियाज जो है ये कितना है, ये है 18.6%। एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू रीजन जो है ये 27.7%। सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करी है, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ फील्ड जो है ये 43% है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, कहाँ से पास होता है, तो ये 8 स्टेट से पास होता है। अब ये 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, क्योंकि हम कभी कभी भूल जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसको याद करने का ट्रिक है, वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। ओके, क्या है, वेस्ट में राजस्थान, गुजरात, मुझे झारखंड चाहिए था। वेस्ट बोले तो वेस्ट बंगाल, में एमपी चले आएंगे आप, गुजरात दैट वन इज, एंड राजस्थान से राजस्थानी हो गया, मुझे से हो गया मिजोरम, झारखंड से झारखंड एज इट इज, चाहिए से छत्तीसगढ़ एंड था से त्रिपुरा। नंबर ऑफ स्टेट्स यूटीज शेयरिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज, तो टोटल 18 स्टेट्स एंड यूटीज है गाइज जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं। ओके, यहाँ पे हम सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया विथ अलाइड स्टेट्स। टोटल 18 है हमने ऊपर देखा, अब फर्स्ट देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश जो है ये 4096.7 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, और जो लाइन है रेड क्लिफ लाइन है वो याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने इसको भी इंक्लूड कर रखा है। टोटल 5 स्टेट्स जो है यहाँ से बांग्लादेश टच होता है, डैट वन इज वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। चाइना 3488, मैकमोहन लाइन एंड जॉनसन लाइन, ठीक है, जोहानसन लाइन, ये 5 स्टेट से, डैट वन इज लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, एंड रेड क्लिफ लाइन जो है यहाँ का, जो हम पूछते हैं कि किससे डिवाइड होता है मैकमोहन लाइन, किसके किसके बीच में है, रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है, तो यहाँ से ये भी नोट डाउन करते चले जाइए। टोटल 5 स्टेट्स हैं, डैट मीन इज गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नेपाल जो है ये 1751, डैट वन इज 5 स्टेट से ये कवर करता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं म्यांमार से 1643 किलोमीटर का, 4 स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। भूटान से 699 किलोमीटर, 4 स्टेट से कवर्ड है, आई मीन टस्ट है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम एंड
अरुणाचल प्रदेश, ओके। फिर हम देखते हैं अफगानिस्तान, डेट वन इज 106 दुरंध लाइन जो कवर करता है। एक ही स्टेट से है, डेट वन इज लद्दाख, पीओके, ओके। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट चैनल्स ऑफ इंडिया। 10 डिग्री चैनल्स बिटवीन अंडमान एंड निकोबार, 9 डिग्री चैनल्स बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, 8 डिग्री चैनल्स बिटवीन मालदीव एंड मिनिकॉय, कोको स्ट्रेट जो है ये बिटवीन कोको आइसलैंड म्यांमार एंड नॉर्दर्न अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है। लक्षद्वीप सी जो है ये बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालाबार कोस्ट है। ग्रेट चैनल की बात की जाए तो ग्रेट चैनल जो है ये सुमात्रा, डेट वन इज इंडोनेशिया एंड निकोबार। पाक स्ट्रेट जो है ये बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका। माहिम क्रिक जो है ये, और नैरो क्रिक जो है ये आपको मिल जाएगा कहाँ कहाँ, माहिम, माटुंगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी मुंबई में। गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये कहाँ है, ये है वेस्टर्न गुजरात, ओके। गल्फ ऑफ खंभात जो है ये ईस्टर्न गुजरात, माउथ ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 3 कवर कर लिए ज्योग्राफी के। अब हम फोर्थ टॉपिक देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में हमें जानना है कि दिस वन इज एक्चुअली ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है ये। एंड सेकेंड, अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 5 लाख इन्वॉल्विंग लेस देन 10 वर्कर्स, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और 10 वर्कर से या लेस देन 10 वर्कर से भी आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। एसोसिएटेड विथ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ओके। बहुत सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इसके लिए चलाए गए हैं, एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स इसके लिए चलाए गए हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इसके लिए टाइम टू टाइम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मेजर कॉटेज इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो हम यहाँ पे बात कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेदर की, जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये है कानपुर, यूपी। इसके बाद हम बात करेंगे वुडन टेक्सटाइल की, तो ये कहाँ है, ये है अमृतसर, धारीवाल, लुधियाना, मछलीपट्टनम। इसके बाद श्रीनगर, वारंगल, ओके। ये सारे के सारे चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर गुड़ एंड खंसारी जो है ये मेरठ यूपी में है। सिल्क टेक्सटाइल जो है ये मैसूर, कांचीपुरम, वाराणसी, श्रीनगर, मुर्शिदाबाद, अमृतसर, नाथनगर जो कि भागलपुर में है, ओके। हैंडलूम, फिर मलमल, चिंत, डूरी और खादी, ये सारे के सारे जो हैं ये कहाँ से एसोसिएटेड है, तो ये है मेरठ, मथुरा, मदुरई से, मलमल वाराणसी अम्बाला से, फिर चिंत जो है ये मछलीपट्टनम से, और दूरी जो है आगरा, झांसी, अलीगढ़, अम्बाला, और खादी की बात करें तो अमरोहा, कालीकट एंड पुणे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट वन इज ट्राइबल पॉपुलेशन इन आइसलैंड ग्रुप्स। यहाँ पे ट्राइब्स है, यहाँ पे रेस है, एंड कौन से आइसलैंड ग्रुप में पाया जाता है वो हम देखेंगे राइट साइड में। फर्स्ट जो है ये ओंगे है, ये नेग्रिटो रेस में पाया जाता है, लिटिल अंडमान में पाया जाता है, ये सेम रेस से पाया जाता है, दैट वन इज सेंथिनल आइसलैंड पे। और जरावा जो है ये भी नेग्रिटो से और बिलोंग करता है, मिडिल एंड साउथ अंडमान में पाया जाता है। ग्रेट अंडमानीज जो है ये सेम नेग्रिटो से स्ट्रेट आइसलैंड में पाया जाता है। शॉम्पिन जो है ये मंगोलाइट से, दैट वन इज ग्रेट निकोबार में, और निकोबारीज जो है ये मंगोलाइट से, दैट वन इज ये भी ग्रेट निकोबार में ही पाया जाता है, ओके। पॉपुलेशन ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ट्राइब्स भी इसके साथ हम देख लेते हैं।
इनफैक्ट हमने इसमें 7 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन 5 ही हम कंप्लीट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. आई मीन पॉपुलेशन ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ट्राइब कौन कौन से हैं? शेड्यूल ट्राइब्स, भील, जो कि पॉपुलेशन इन लैक्स अगर बात की जाए तो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, 74 लैक्स. गोंड जो है ये 55, ये आता है सेकंड नंबर पे. संथाल जो है ये 42, फिर ओरेगन जो है ये 20, फिर ओंगीज जो है ये 98. ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखते चले जाना है कि कौन कौन से पॉपुलेशंस हैं और कितने हैं. सेंटिनेलीज की बात की जाए तो 0.80, डेट वन इज प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब. ग्रेट अंडमान निकोबार 0.29%, डेट वन इज ऑल्सो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब. तो यहाँ पे हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा. अगर इसमें कोई भी कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं. आपका कोई भी सजेशन हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डैट वन इज़ पार्ट 2, जिसमें हम अगेन 5 टॉपिक्स ज्योग्राफी के कम्प्लीट करेंगे. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद.